प्रेक्षकांना विनंती आहे, रसिकांना पुढे जागा आहे, कृपया मागे उभं राहू नका. मैं हिंदी या इंग्लिश में बोलूंगा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं. मंच पर उपस्थित माननीय शिवाजी दादा आदरराव पाटिल, सिनेस्टार श्री शशांक केटकर, श्रीमती कल्पना ताई आदरराव पाटिल, डिग्निटरीज ऑन द डायस, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि मेरे को बहुत पहले जो है साहब के स्कूल का विजिट करना चाहिए था. इज ए अमेजिंग, अद्भुत जिस तरीके से जो डेवलपमेंट जो है हो रही है बच्चों की शिक्षा के साथ साथ जो गेम्स के अंदर भी है. तभी जो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो उसमें देखा कि 100% मार्क्स आ रहे हैं मैथमेटिक्स के अंदर, 98%, 90%, और स्पोर्ट्स के अंदर भी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों ने भाग लेके और उसके अंदर जो है अवार्ड लिए. जिन्होंने आज अवार्ड लिया वो सब बधाई के पात्र हैं, वो बच्चे बधाई के पात्र हैं, बच्चे के पेरेंट्स बधाई के पात्र हैं, बच्चों के जो शिक्षक हैं वो भी बधाई के पात्र हैं. जो बच्चे अवार्ड नहीं ले पाए, मुझे उम्मीद है कि वो इस साल और आने वाले सालों के अंदर वो भी अवार्ड लेंगे. एक समय आएगा, अभी जितने अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए इसकी संख्या जो है कई गुना बढ़ेगी और बहुत बच्चे यहाँ पे अवार्ड लेने के लिए आएंगे. ऐसी मैं ये कामना करता हूँ. आज गणतंत्र दिवस है, बसंत पंचमी भी है. मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की बसंत पंचमी की बधाई देता हूँ. बसंत पंचमी जो है, जो आज का दिन जो है, ये माँ सरस्वती के अवतरण का दिवस है. माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है और ये बहुत सौभाग्य है कि आज बसंत पंचमी वाले दिन जो है ये हम कार्यक्रम जो है आयोजित कर रहे हैं और बच्चों का मनोबल जो है हम बढ़ा रहे हैं. मेरी यही प्रार्थना है माँ सरस्वती से कि बच्चों को बहुत से बहुत ज्ञान अर्जित हो और शिक्षक जो है और भी ज़्यादा लगन लगाकर बच्चों का जो है पूरी तरीके से विकास करें. मेरे को ये नहीं लगता कि पूना के अंदर भी कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा. मैं दिल्ली से आया हूँ, दिल्ली के अंदर DPS है, मॉडर्न स्कूल है, दून स्कूल देहरादून के अंदर है. अगर उनके बच्चों को भी अगर अपने यहाँ पे दिखाएं वो भी हैरान हो जाएंगे कि जो है रूरल एरिया के अंदर भी इस तरीके का बहुत बढ़िया जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है. मैं तो ये सोच रहा था कि अगर कोई रिवाइंड अगर हम कर दें लाइफ के अंदर तो मैं भी इसी स्कूल का स्टूडेंट बनना चाहूँगा. सो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में. और साहब का तो क्या कहना, साहब पूरे क्षेत्र के अंदर जो इन्होंने विकास किया है, मैं बहुत पुराना साहब को जानता हूँ. जब भी हम किसी गांव के अंदर काम करने जाते हैं तो साहब की चर्चा जरूर होती है. तो ये इनका प्यार है, इनका बड़प्पन है, इनका ये अट्रैक्शन है कि लोग ये अगर किसी को बोल देते हैं तो कोई मना नहीं करता, सारे के सारे जो है जैसा ये आदेश करते हैं तो लोग पहुंच जाते हैं. तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर, जैसे साहब ने बताया, ये स्कूल है, अभी स्कूल के बाद कॉलेज खुला है और अभी यूनिवर्सिटी बनेगी इस क्षेत्र के अंदर, और उसका भी श्रेय जो है दादा को जाएगा कि यहाँ पे स्किल यूनिवर्सिटी बने या दूसरी यूनिवर्सिटी बने. जिस तरीके से बच्चे और जो शिक्षक जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो वाकई में आपको कहीं नहीं मिलेगा. मैं तो बहुत इंडिया अब्रॉड कई जगह मैं घूमा हूँ. मैं स्कूल के अंदर विजिट कर रहा था, मैडम इतनी सफाई स्कूल के अंदर थी. तो सफाई जहाँ पर होगी, साफ सुथरा होगा, सरस्वती का वास भी वहीं पर होगा. तो एक बड़ी बेसिक सी चीज़ है, जब भी कोई विजिटर आके देखता है किस तरीके से कैसे आपको जो है वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं टीचर्स या स्टूडेंट जो हैं, वाकई में काबिले तारीफ़ है. और मेरा ये आग्रह रहेगा कि बच्चे जो हैं, बच्चों को ज़्यादा एक्सपोजर मिले, बच्चों को आप इंडस्ट्री दिखाइएगा. बच्चे जो हैं जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा
उतना जो है ज़्यादा ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। हालांकि साहब ने और आगे जो हमारे शशांक जी हैं बहुत बड़े अच्छे स्पीकर हैं, ये भी बहुत कुछ बोलेंगे, तो मैं तो एक छोटे से मूल मंत्र देना चाहूँगा जो कि ज़िंदगी के अंदर मैंने एक्सपीरियंस किया है बच्चों के लिए। बच्चे हमेशा जो है यू शुड थिंक बिग, यू शुड ड्रीम बिग, छोटा सोच नहीं रखने का, बहुत बड़ी सोच रखनी है। और उसके बाद जो है बच्चे जो है दे शुड हैव ए बेटर कंडक्ट एंड बिहेवियर, जो कि मेरे को पूरा विश्वास है कि स्कूल के अंदर जिस तरीके से माहौल है बच्चों के अंदर कंडक्ट और बिहेवियर का जो है बहुत ध्यान रखा जाता होगा। और जो भी आप काम करें, चाहे आप पढ़ाई करें, गेम में जाएं, पूरी शिद्दत से करें, पूरे डेडिकेटली करें, जब ये करेंगे तो वाकई में जो आपके जो ड्रीम जो है वो आप पूरा कर पाएंगे। और हर बच्चा जो है कम से कम एक जो है स्पोर्ट जो है वो सीखे, एक स्पोर्ट के अंदर उसके पास जो है मास्टरी होनी चाहिए। जब भी आप स्पोर्ट सीखते हैं वो भी आपको पढ़ने के अंदर, वो भी आपको आगे तरक्की करने के अंदर बहुत मददगार साबित होते हैं। बच्चों के लिए विशेषकर जो है बच्चे एक दूसरे की मदद करें, ये बहुत ज़रूरी है। जब आप एक दूसरे की मदद करते हैं तो उसके भी जो है बहुत अच्छे परिणाम आते हैं, जो कि आपके जो है पढ़ाई के अंदर, आपकी सफलता के अंदर जो है वो काम करते हैं। बच्चों के लिए और विशेषकर मैं शिक्षकगण से भी अनुरोध करूँगा कि बच्चों में जो है इनोवेटिव स्पिरिट जो है वो पैदा करें, कोई ऐसे काम जो है जिससे बच्चों का जो है जो इनोवेशन जो है उनकी जो थिंकिंग जो है उसके अंदर बढ़े। आने वाले टाइम के अंदर छोटा सा आइडिया जो है वो एक पता नहीं कितना बड़ा रूप ले ले और वो कितनी तरक्की पे ले जाए, ये आप इमेजिन नहीं कर सकते। और हमेशा जब भी आपका जो दिन जो स्टार्ट हो, आप कोशिश करो कि कल से वो दिन बेहतर हो। और इस तरीके की अगर आप भावना रखेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। और मैं आप सबको एक बार पुनः जो अवार्ड विनर्स हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और दादा को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इन्होंने क्रिएट किया है, जो कि पुणे भी नहीं है। अगर इसकी पॉपुलरिटी अगर थोड़ी सी बढ़ जाए तो पुणे से बच्चे भी यहाँ पढ़ने के लिए आना चाहेंगे, अगर हॉस्टल बनाएंगे तो बच्चे यहाँ हॉस्टल में रहना पसंद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।